नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज वो घड़ी आ गई है जिसका सभी लोगों को इंतज़ार था। सुशांत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस आज रिलीज हो गई है और इसे आप OTT प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। और इस पे सुशांत सिंह के पिता ने रोक लगाने की मांग की थी और फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और वहाँ पे उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और इसको निर्धारित तारीख पर ही रिलीज करने का आदेश जारी किया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह बेहद उत्साहित हैं सुशांत सिंह की फिल्म आज रिलीज हो रही है उसको लेकर के, उनकी खुशी देखते हुए बनती है। आप देखिए क्या कह रहे हैं वो। खुशी का दिन है कि सरला एस सारागोई द्वारा निर्मित फिल्म जिसे बड़ी मेहनत से बनाया गया न्याय द जस्टिस बहुत ही गंभीर विषय पर बनी हुई फिल्म है और इसमें बहुत ही अनुभव वाले बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर कलाकार इसमें काम कर रहे हैं। नए कलाकारों का भी पदार्पण है, पुराने कलाकारों का भी मिश्रण है, स्टोरी फिक्शन भी है और जिस तरह से क्रिएटिविटी के आधार पर न्याय द जस्टिस फिल्म का निर्माण हुआ, आज रिलीज हो रही है तमाम बाधाओं के बाद, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाई, जो याचिका उनकी कल माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ऑनरेबल जस्टिस संजीव नरूला साहब ने खारिज कर दी। और खारिज होने के बाद आज जबकि 11 जून है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी एक वर्ष के अवसर पर जब श्रद्धांजलि देने का अवसर है, आदरांजलि देने का अवसर है, वास्तव में इस तरह से ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, न्याय द जस्टिस फिल्म इस बात की तरफ प्रेरित करती है, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी नई आगे वाली जनरेशन को बताती है कि क्या सच सही है, क्या गलत है, गलत और सही के बीच कैसे भेद किया जाए, क्या पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, क्या दोस्तों की जिम्मेदारियां होती हैं, क्या पुलिस की जिम्मेदारी होती है, क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, हमारे सिस्टम को बताने का, सही दिशा देने का काम ये फिल्म करेगी। और आज OTT प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज हो रही, क्योंकि सिनेमा हॉल अभी लॉकडाउन दूसरी वेव से हम निकल पा रहे हैं धीरे धीरे, तो अभी सिनेमा हॉल बंद है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा लबालब प्लेटफॉर्म और कई हैं इस तरह से, उन पर आज ये फिल्म रिलीज होके निश्चित रूप से ये फिल्म कहीं हंसाएगी, कहीं रुलाएगी, कहीं दिशा देने का काम करेगी, कहीं समझाएगी, कहीं ढाढ़स बधाएगी, कहीं उन कमियों को, कुरूतियों को भी खोलेगी जो आज समाज में छुपे रूप में हो रहे हैं। तो आपने देखा कि AP सिंह साहब बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देख करके। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह के पिता को भी ये पिक्चर देखनी चाहिए, ये फिल्म देखनी चाहिए। तो आप देखिए फिल्म और फिर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी, आपके चहेते सुशांत सिंह के जीवन पे आधारित ये फिल्म। जय हिंद, जय भारत।